गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक और मेरे चैनल श्रीका चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आप मेरी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज मैं नवरात्रि कन्या पूजन की थाली बनाकर दिखाऊंगी। इसमें मैंने मीठा और तीखा दोनों रखा है क्योंकि कन्याएं जो है वो मीठा खाना ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं, तो मैंने मीठा और तीखा दोनों का ध्यान रख के ये थाली बनाई है। तो देखिए ये थाली कैसी बनी है। मैं सबसे पहले छोले बनाकर दिखाऊंगी। ये छोले मैंने 6-7 घंटे भिगाकर रख दिए थे और इसका सारा पानी निकाल दिया और साफ कर लिया है इसको सारा। मैंने एक कुकर ले लिया है और इसको गैस पर रख दिया है, गैस को ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें 4 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाल दूंगी। ये तेल का यूज नहीं करेंगे ना, कन्याएं खाएंगी इसलिए। अब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए। अब इसमें जीरा डाल देते हैं, टमाटो प्यूरी डाल देते हैं, दो हरी मिर्च काट के डाल देते हैं क्योंकि कन्याएं ज़्यादा तीखा नहीं खा पाएंगी, इसलिए थोड़ी सी अदरक कटी हुई, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब मसाले अच्छे से हो गए हैं, मैं छोला डाल देती हूँ इसमें। नमक स्वाद अनुसार, एक कटोरी छोले थे ना तो एक कटोरी पानी डाल देते हैं इसमें। अब कुकर का ढक्कन बंद करके 5 सीटी इसमें अच्छे से लगा लेते हैं। छोले मेरे बन रहे हैं तब तक मैं चने की तैयारी कर लेती हूँ। ये मैंने एक कटोरी चना ले लिया, इसको मैंने 6-7 घंटे के लिए अच्छे से भिगा दिया था और 5 सीटी लगाकर बॉयल कर लिया है। देखिए ये कुछ इस तरीके से बॉयल हुआ है, घबराया ना अच्छे से। मैं थोड़ा सा नमक डाल दिया था बॉयल करते समय। अब इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। गैस को ऑन कर देते हैं और इसमें डालते हैं रिफाइंड ऑयल, जीरा, अच्छे से हो जाए। 2 पिंच हल्दी डाल देती हूँ, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, नमक मैंने पहले भी डाल दिया था, थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ इससे मसाले अच्छे से हो जाएं। मसाला अच्छे से हो गया है, इसमें चना डाल देते हैं। चने को अच्छे से मिक्स कर देना है। अमचूर पाउडर डाल देती हूँ, आप चाहें तो नींबू भी डाल सकते हैं, इससे खट्टापन थोड़ा सा आ जाएगा। और थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ इसमें। अब इसको 10 मिनट्स के लिए बंद करके ऐसे ढक के रख देती हूँ, थोड़े अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। मैं चने को देख लेती हूँ, इसको बनते हुए 10 मिनट हो गए हैं। हाँ देखिए ये सारा पानी सूख गया है, इतने अच्छे बने हुए हैं। इसमें मैं हरा धनिया डाल देती हूँ। छोले वाले कुकर में 5 विसिल आ चुकी हैं, अब इसको खोलकर देख लेते हैं। देखिए ये अच्छे से रेडी हो गए हैं। अब इसमें हरा धनिया डाल देते हैं ऊपर से। अब कन्याओं के लिए छोले रेडी हैं, इसको निकाल लेते हैं। आलू बनाने के लिए मैं
छील लिया और ऐसे कट कर लिया है। इसमें मैं आलू को डाल देती हूँ। 2 पिंच हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, थोड़ा सा अमचूर पाउडर। अब इन आलुओं को मिक्स कर देती हूँ। हरा धनिया, आप चाहें तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। ये देखिए कन्याओं के लिए स्वादिष्ट आलू बनकर तैयार है। अब इनको मैं निकाल लेती हूँ। अब मैं सूजी का हलवा बनाऊँ, इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, गैस को ऑन कर दिया है। अब मैं आधा कटोरी घी लेती हूँ, जिससे मैंने घी लिया था ना, उसी से आधी कटोरी सूजी लूंगी। अब सूजी को अच्छे से भूनेंगे। गैस को लो टू मीडियम ही रखना है, नहीं तो जल जाएगी सूजी। देखिए सूजी में बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है और सूजी भुनने भी लगी है अच्छे से। ब्राउन कलर का देखिए कलर चेंज हो गया है। सूजी जब भूनते हैं ना तो गैस को लो पर ही रखते हैं, जिससे अच्छे से भुन जाए। अब इसमें मैं पानी डाल देती हूँ, 1 ग्लास पानी डाल देती हूँ। मैं डालती हूँ इलायची पाउडर, कट किए हुए काजू, कट किए हुए बादाम और ये किशमिश। देखिए ये चीनी इतनी डाल देती हूँ, जितनी सूजी डाली थी ना उतनी घी उतना ही चीनी। 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ। अब मैं ढक्कन को खोलकर देख लेती हूँ कि मेरा हलवा कैसा बना है। ये देखिए ये परफेक्ट रेडी हो गया। गैस को ऑफ कर देते हैं, थोड़ी देर के इसमें छोड़ देते हैं। अब मैं फ्रूट का रायता बना लेती हूँ। ये दही फ्रेश मैंने ले लिया है, इसको थोड़ा सा ऐसे तरीके से चला लेते हैं। फ्रूट का रायता जो होता है ना थोड़ा सा गाढ़ा होता है, इसमें पानी वगैरह नहीं डालना चाहिए। ये दही देखिए मैंने फेंट लिया अच्छे से। अब इसमें काला नमक थोड़ा सा डाल देती हूँ, सफ़ेद नमक, हल्की सी लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा भुना हुआ पीस लिया था मैंने। इसको अच्छे से चला लेती हूँ। अब इसमें मैं डाल देती हूँ कटे हुए एप्पल, ये मैंने छोटे छोटे काट लिया था ऐसे करके। ये छोटे छोटे पीस में केला काट लिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। अब इसमें अनार डाल देती हूँ। ऐसा फ्रूट का रायता खाके कन्याओं को एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि कन्याएं उस दिन बहुत थक जाती हैं ना। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं पूड़ी सेक लेती हूँ। देखिए कन्याओं के लिए स्वादिष्ट भोजन थाली तैयार है।